Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. बस अचारा चा कर दी। उस लड़की की मुझे कोई फिक्र नहीं है, मामूली सी लड़की है, मेरे खदशात कुछ और है। तो क्या हुआ बोले, लंबे बालों वाली और खूबसूरत आंखों वाली पागल नहीं हो सकती क्या? इन दौरों के बारे में तूने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं चंदन, भी वो छोटा था ना जब, तो तब बहुत हुआ करता था, अब नहीं होता। कैसी सास है ये, ब्याह के अगले रोज दावतों की बजाय मजार पर हाजिरी के लिए लेकर जा रही है। चाची है ना, बोलेगी दुल्हन को भगा दिया, निकाल दिया घर से बाहर। हाय हाय भाभी, क्या बताऊं, मैंने तो बथेरा रोका भोले को, मगर उसने तो आंख खुलते ही मेरी दुल्हन भगा दी। मेरी दुल्हन कहां चली गई, शोर मचा दिया, और फिर आपको तो पता है ऊपर से वो। अरे कहां जाएगा, यही होगा, मोहल्ले में लड़कों के साथ खेल रहा होगा। मुझे कुरन बता रही थी कि वो शफीक बुला के ले गया उसे। किसी को भेजा नहीं है भोले को बुलवाने के लिए भाभी? है, आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। अच्छा है थोड़ा देर में ही आए तो अच्छा है। क्या बात है भाभी, तुम तो बहुत खुशी खुशी गई थी, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रिजवाना, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे जन्नत भी ने उस लड़की को भोले के बारे में तफसील से नहीं बताया। ओह, पर तुम्हें कैसे लगा? उसकी बातों से, मैं आज उसे लेकर गई ना मजार पे, तो वो मजूबों को देखकर घिन खा रही थी, और कोई पास आके बैठता तो रास्ता बदल लेती। पता नहीं मेरे भोले को देखकर क्या करेगी वो। अच्छा नहीं किया जन्नत भी ने, उसे चाहिए था वो बता देती सब सीधी बात। अब क्या होगा? अच्छा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा खूबसूरत सजाया, ऐसा खूबसूरत सजाया, फूल पता कहाँ से खरीदे? कब्रिस्तान से, कुबड़ा नहीं है जो कुबड़ा फूल बेचता है बुड्ढा, उससे 350 नहीं नहीं 250 रुपए के फूल लाया हूँ। ऐसा खूबसूरत कमरा सजाया ना मेरी दुल्हन का, तो अगर बत्ती भी ले आता ना ज्यादा, जरा माहौल बन जाता। वो अगरबत्ती भी लेके आनी थी तो और क्या, तो अभी ले आता। ओहो, और नहीं जाना, इधर आ, इधर आ मेरे भाई, अगरबत्ती को छोड़। हाँ मेरा भाई, मुझे ये बता कि दुल्हन को मुंह दिखाई में क्या दे रहा है? मुंह दिखाई क्या होती है? ओ यार, वो जो दुल्हन का चेहरा देखने के बाद तोहफा देते हैं ना, उसको कहते हैं मुंह दिखाई। ओ बोले बोले को पता ही नहीं था, बोले को पता ही नहीं था, बोले को पता ही नहीं था भाई, बोले को नहीं पता। वो अगर तो मेरी दुल्हन हुई ना बड़ी प्यारी प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी, मुमताज बेगम से भी ज्यादा अच्छी, तो फिर तो देना मैंने उसे सही 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 वाला तोहफा, सही वाला तोहफा। और अगर अगर सही ना ना हुई, वो जैसे भाभी है, भाभी है ना हमारी भाभी, तुम्हारी बीवी जिसके नाक के नथ नहीं होते हैं, फिर ठेला देना मैंने ठेला उसको। बकवास ना कर, चुप कर, झूठ तो नहीं बोल रहा है? डार तुमने देखा ना भाभी को, भाभी के नठने ऐसे हवा जाती है तेज। कल तूने डार से मार खाई थी ना, आज मुझसे तो लाइक करवा लेगा तू। अच्छा वो बात कर जो करने वाली है, छोड़ते क्या कर रहा है, मजा तो लेने में है। अच्छा बात सुन, बोले देख दुल्हन तो तूने भी अभी तक नहीं देखी। नहीं देखी ना, तुझे क्या पता कि उसके नथने चौड़े हैं कि चिपके हुए हैं अभी या नहीं। तो चाइना का माल भी तो आता है आजकल। वो सुन तो सही, बात तो सुन, किधर जा रहा है, तेरा सिर फाड़ दे रहा है, और क्या कर रहा है, मैंने तेरा सर फाड़ दे रहा। बोले बात तो सुन, क्या हो गया? अगर ऐसी बात है तो भाभी से मिलवा दे हमें, कोई तस्वीर ला के दिखा दे, कुछ तो कर। तस्वीर लेके आता हूँ, जल्दी जाए जल्दी। अभी लेके आता हूँ, तुम्हारी बीवी की तरह नहीं है, नहीं है नहीं है, पीछे पड़ गए। जन्नत बीबी के खानदान से तो तुम हो नहीं, ये बात तो तय है,
तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? मोहब्बत और एहतराम का। मेरी मोहब्बत और एहतराम के चक्कर में कोई किसी के कहने पे आंखें बंद करके शादी तो नहीं कर लेता ना? अगर मोहब्बत और एहतराम के साथ भरोसा भी हो तो इंसान कुछ भी कर लेता है। अच्छा चलो बताओ, तुम रहती कहाँ थी? कोई अता पता ठिकाना? अब तो ये ठिकाना है। पीछे किसी को तो छोड़ के आई होगी ना? आखिर सारी डोरियां एक झटके में तो नहीं कट गई ना? और फिर कोई एक आधा सिरा हाथ में संभाल के भी रखना पड़ता है, क्या पता कब वापस लौट के जाना पड़े। अपने असल की जाने, भाई हमारी तो दुआ है कि तुम खैर से खुश रहो, सदा सुहागन रहो, फूलो फलो। ले आइए उसे या छोड़ आइए जंगल में। अरे पागल हो गया, काहे को छोड़ाऊंगी जंगल में? हाँ हाँ जी हाँ जी, ताकि ताकि मेरी डोलन को या शेर खा जाए या बेचारी भूख प्यास से मर जाए। अरे पागला लगता है मुझे, पहले मुझ पे इल्जाम लगाया कि तेरे बाप को जहर दे के मार दिया और अब ये थोप रहा। अरे मैं माँ हूँ, डायन हूँ क्या? शाश हो ना, सासे तो ऐसी होती है, अब उनको ना अपनी बहू एक नजर भी नहीं भाती है। तुम तो दाव के इंतजार में हो, कब दाव लगे और मेरी दुल्हन को भगा दो। मेरी बातों से तो भागने वाली नहीं। हाँ ये जो तू ओंगी बोंगी मारता ना, तेरी हरकतों से भागना जाए अल्लाह करे। देख मेरी बात सुन, तू क्यों ऐसी बातें करता है? देख मेरा बच्चा इतनी अच्छी प्यारी प्यारी सीधी सीधी बातें कर रहा होता है, इतनी अकल वाली बातें कर रहा होता है, अचानक बाबलेपन का दौरा क्यों पड़ जाता है तुझे? बुरी बात है, अब देख उससे कोई बात ना करना ऐसी वैसी। अम्मा मुझे गाना सुनाऊंगा। अरे गाना नहीं, मैं तुझे बताती हूँ उससे क्या बात करना, उससे क्या। नहीं नहीं मुझे नहीं सुननी, बातें करती हो तो जवानियां आती है, नींद आती है। बोला ना, बोला जा रहा है अपनी दुल्हन के पास। ऐसे जाएगा? कपड़े देखिए अपने बदबू वाले, पसीने की बू आ रही है मुझे भी, और मुंह पे घीसियां देखी, ये देखो क्या लगा हुआ, और गर्दन पे मैल तो कीचड़ बन गई है। ऐसे जाएगा, क्या कहेगी वो? दुल्हन के पास जाना है या जुम्मे की नमाज पढ़ने जाना है? अरे मेरी बात सुन, दुल्हन के पास भी जाते हैं ना तो प्यारा सा तैयार होके जाते हैं, नहा धो के, खुशबू लगा के, बाल बना के, अच्छे तरीके से, ठीक है ना? और पता है उसे क्या बात करनी है? उसे कहना आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे। अरे इधर तो आप पूरी बात तो सुन ले। अच्छा फिर कहना कि ये जोड़ा तुम्हें बहुत अच्छा लगा। देखना वो इतनी खुश हो जाएगी इन बातों से, ठीक है? फिर कहना कि मैं तुम्हें फूल ला के दूँ, ठीक है ना? चलो चलो नहा धो के अच्छा सा प्यारा सा तैयार हो के फिर उसके पास जाना, ठीक है? वो नहीं कहीं जाने की, ये कोड़ी कश्तियां जला कर आई है। कौन अम्मी? अरे वही तुम्हारी भाभी, और कौन? भाभी? मुझे तो अब पक्का यकीन हो चला उसका कोई होता सोता इस दुनिया में है ही नहीं। भाई भाभी की बातें सुनकर तो मुझे कुछ उम्मीद बंधी थी कि चलो भोले की हालत जानकर बद दिल होकर रस्सी तोड़ाकर भाग जाए शायद, मगर नहीं भाई नहीं, वो तो यही कदम जमाने का सोचे बैठी। मगर अम्मी देखे ना भोले भैया कितने खुश हैं भाभी के आने से, भैया तो भूले नहीं समारे। अब अगर भाभी चली गई तो भोले भैया कितने उदास हो जाएंगे ना। बस बस भोले भैया उदास हो जाएंगे, कुनी की फिक्र पड़ी है तुझे।
बोले दो घंटे से नहा रहा है, क्या हो गया? टंकी खत्म करेगा पानी की? बोले ये गाने गाए जा रहा है। अच्छा मैं जा रही हूँ बावर्ची खाने में, जल्दी से आजा, पराठा बना रही हूँ तेरे लिए। हाँ दे भाई। अम्मा कह रही थी दुल्हन 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 को कहना है, दुल्हन दुल्हन जब सामने हो गया ऐसे तो दुल्हन को कहना है। अस्सलाम वालेकुम दुल्हन, दुल्हन 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 तुम ना तुम बड़ी 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 प्यारी लग रही हो। वही है वही, वो बस वाली मिश्री। हाँ बोले तू? हाँ मैं बोला टू 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 वही है, वही है ना बस मिश्री वाली, वही है ना बस वाली। हाँ तुझे अंदाजा नहीं है भोले मुझे कितना अच्छा लग रहा है तुझे यहाँ देखकर। शुक्र इतने अजनबी चेहरों में कोई तो अपना दिखा। हाँ हाँ मुझे भी नहीं पता था बिल्कुल भी कि तू दुल्हन है, मुझे नहीं पता था। हाँ मैं ही हूँ दुल्हन, लेकिन तू यहाँ क्या, तू रहता है यहाँ, तेरा घर है ये? हाँ जी ये घर जो है ना ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, और ये जो कमरा है ये भी मेरा है, और तू दुल्हन भी मेरी है, और मैं दूल्हा भी तेरा हूँ। अब नाम इसी घर में रहेंगे, मजे करेंगे। तू 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 मेरी दुल्हन है, मैं हूँ तेरा दूल्हा, आ हा हा, तू मेरी दुल्हन है, मैं हूँ तेरा दूल्हा, आ हा हा, हाँ मैं हूँ तेरा दूल्हा, दूल्हा मैं हूँ तेरा, और ये मेरा मेरा कमरा है, ये मेरा, वो देख मेरी दवाइयाँ, मेरी दवाइयाँ और वो तस्वीर देख, वो तस्वीर मेरी है, मैं छोटा छोटा सा, मेरी अम्मा मेरी कहती थी अल्लाह का काट हो जा, अल्लाह का काट हो जा, लाल पलंग ते आई वे अब इडू ले 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 वैसे मुख्तसर सा कुंबा है, शरीफ खाते पीते लोग हैं, फिर सोचना काहे का? देखो रिजवाना बेगम,
हमारी कोमल की उम्र अभी बहुत छोटी है। अरे तो लड़का भी बाला सा ही है, मुश्किल से 22 बरस का होगा। फिर तो बिल्कुल नहीं ब्याहूंगा। जो लड़का अपने पैरों पे अभी तक जमा नहीं, उसे लड़की ब्याह दूं? वाह। और वैसे भी इन लड़कों का कलंडरापन जो है ना, 27-28 तक नहीं जाता। अरे तो क्या साठे पाठे से ब्याहेंगे? ऐसे जिस तरह आप कोमल के हर आने वाले रिश्ते को इनकार करके लौटाते जा रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि अपनी कोमल की उम्र ही गुजर जाएगी शादी की, फिर साठे पाठे का रिश्ता भी गनीमत लगेगा। रिस्वाना बेगम, कभी तो अपने मुंह से अच्छे अल्फाज भी निकाला कर। अबे तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? क्यों कोमल को रुखसत करके अपनी और मेरी जिंदगी वीरान करना चाहती हो तुम? अरे अगर किस्मत में एक ही औलाद लिखी थी तो इसमें बेचारी कोमल का क्या कसूर है कि उसको हम अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए उसका घर ही ना बसने दें? उसका घर बसेगा और जरूर बसेगा, और कोमल हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगी, वो भी और उसका मियां भी। फिर वो एक घर दामाद के ख्वाब। कोमल के अब्बा कितनी बार समझाया है कि शरीफ खानदानी लोगों में ये रिवायत नहीं होती। अगर ये रिवायत नहीं होती तो बन जाएगी। देखो रिजवाना बेगम, ये हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी, और कौन कहता है कि हम उसे घर दामाद बना के रखेंगे? वो हमारे बेटों की तरह होगा। ये सब जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई तो हो संभालने वाला। अरे ऐसी कौन सी जागीरें इकट्ठी कर ली हैं कि जिनको संभालने के लिए आपको घर दामाद की जरूरत पड़ रही है? मुझे तो आज तक हवा नहीं लगने दी। क्यों, ये सब क्या है? आधी से ज्यादा उम्र गला दी मैंने सब संभालते संभालते, दुगने को तिगना करने में। अरे तो यही तो सारी उम्र में कलस्ती रही, क्या जरूरत है पराई चीज पर इतनी जान मारने की? फिर ये सब कुछ अपना है ही कब? अच्छा, अगर ये सब कुछ हमारा नहीं है तो फिर किसका? मुहैयुद्दीन साहब उर्फ भोले का। तुम्हें क्या लगता है रिजवाना बेटा, ये मुहैयुद्दीन साहब ये सब कुछ संभाल सकते हैं? हर किस नहीं, मुहैयुद्दीन हो या भाभी जी हो, वो सिर्फ और सिर्फ नाम के मालिक है। याद रखना रिजवाना बेगम, जमीन का मालिक वही होता है जो उसमें से सोना उगलवाए। Thank you.
रिजवाना, ए रिजवाना, क्या हुआ भाभी? अरे रिजवाना, मेरी सुराही कहाँ गई? रात को तो यहाँ रखी थी। अरे रात को तो मैंने भी देखी थी, यहीं पड़ी हुई थी। हाय अल्लाह, कहाँ चली गई? ये तो मुसीबत, करीब करीब के बाजार से मिलती भी नहीं। अब इसके लिए न जाने कहाँ जाना पड़ेगा दूर से ढूंढने के लिए। अरे भाभी, तो तुम ये घड़ी सुराही का पानी पीना छोड़ क्यों नहीं देती? आदत है मुझे, तुम्हें पता नहीं बचपन से पीती हूँ मैं। तो बचपन में तो तुम अंगूठा भी चूसती हो। रिजवाना, मैं देख रही हूँ तुम बात बात पे मेरा मजाक उड़ाती हो। खैर तो है, क्यों चढ़ा रही हो मुझे? अरे भाभी, मजाक कर रही थी, तुम तो ऐसी बुराई मना गई। ये मट्टी की सुराही थी, कौन लेकर जाएगा? ये हो ना हो शकूरन से टूट गई है और इसने सुराख भी मिटा दिया। आने दो इसे, कल ऐसी की तैसी कर दूंगी, इतना टिकाऊंगी कि याद करेगी। हाँ, पिट चुकी तुमसे, जरी जरी बात पे तो तुम्हारा दिल पिघल जाता है। अम्मा जी, मैंने सुराही अंदर बाहर से धो दी है, इसमें पानी भी भर दिया है। तूने क्यों तकलीफ की? हाँ, हमारे घर का ये वतीरा नहीं, जब तक बहू की मेहंदी हाथ से। मेहंदी क्यों नहीं लगाई तूने? हाँ कोमल, कोमल की बच्ची सुनती नहीं, एक तो ये कान खराब है तेरे क्या? मैं बावर्ची खाना देख लेती। दीवाना लगी शाला जुगी बाद रवि शाला रब कंड ना लावी शाला आ। दारे दार मोचा कुछ अच्छा। शकुरन, जा जाके देख, अगर कोमल ने नाश्ता बिछा दिया ना तो भाभी को भी बुला ला। हाय, बीबी जी की तो एक ही दिन में बहू के साथ तालमेल हो गई है। सवेरे सवेरे गजरा बना डाला सुराही के वास्ते, डाले अपनी मैया के मसार पे। क्या खुशबू आ रही है बीबी जी पानी से, संदल छिड़का होगा। छिड़के अपने बाबा के मरकत पे। क्या कहा तुझसे, जा जाके देख नाश्ता लगा के नहीं। जा रही हूँ बीबी जी, जा रही हूँ। संदल छिड़का। हम सबको कॉलेज में इतना मजा आता है ना कि आपको क्या बताऊं। और एक एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अरे ये देखे, इस दिन फंक्शन था। ये जोड़ा मुझे अम्मा ने खुद सी के दिया था। अच्छा, जो ये समन, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है भाभी कि मैं आपको इससे मिलवाऊं। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। भोले भैया, हट पीछे हट। अरे भोले भैया, आराम से बैठे ना, अभी मेरा हाथ मुड़ने लगा था। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं जुड़ के बैठूंगा। मीठू भाई डुल रहे भाई, है ना? मीठू डुल रहे भाई। तौबा है, कोई हद है शर्मो हया की इस घर में? और तू यहाँ बैठी क्या दांत तो कोस रही? उठ उठ, चल निकल कॉलेज के लिए। अब अम्मी, मैंने अभी तो नाश्ता कर। तो उठा ना नाश्ता, उठा, देर हो रही है तुझे कॉलेज से। जुड़ के बैठी है इनके साथ, दस दफा का है मत बैठा कर इनके साथ, निकल। अरे क्या हो गया, पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, क्या हुआ? अरे भाभी देख लो खुद, है कैसे जुड़ के बैठा है अपनी दुल्हन के साथ, घुटने से घुटना जोड़ के। और इसका क्या है, अभी कह देगा कि निवाला भी अपने हाथ से खिला दो। हाँ तो बोलूंगा, बोलूंगा कि निवाले ने, ने बोलेगा ने, निवाले अपने हाथ से खिलाए इसे, तो क्यों ना बोलूं? बोलूंगा मैं, मेरी 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 दुल्हन है, मैं दुल्हन हूँ इसका, बोल सकता हूँ। बल्कि तू एक काम कर, तू ना मुझे अपने हाथ से निवाला खिला दे, खिला दे मुझे, देखना कैसे चल के कोला सर जाएगी चाची, देखना तू। बोले और मैं भी कह रहा हूँ अम्मा, अब अगर बोला कुछ खाएगा तो अपने दुल्हन के हाथ से खाएगा, वरना भूखा रहेगा।
ये पकड़, ये देख खिला देना मुझे, देख खिला देना, खिला देना, खिला देना अपने हाथ से, खिला देना। निवाला मेरा है लेकिन अम्मा जी खिलाए। ठीक है, आए आए आए, मजे कच्ची बेस्टी, आए बेस्टी, आई बेस्टी, चल आजा खा ले। तौबा तौबा, ना शर्म ना हया, कैसा उतावला हो रहा है, ऐसा उतावलापन ने तो कभी देखा ना सुना। चल छोड़ ना बच्चा है। अरे क्या छोड़ू मैं, बच्ची मेरी खराब हो रही है इस घर में रह के। कच्ची हुई। क्या तमाशे लगे हुए इस घर में, बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। अबे हट, चुप चुप कर, चल खा, खोल मेरा बच्चा। तेरी अम्मा आई थी मेरे घर, मम्मा को बता रही थी कि फहमीदा फलाना को सीन किस्म की दुल्हन लाई है तो बोले के लिए। यार जाने दे यार। चलो भाई। हां अम्मा की क्या बात है, जब से मेरे पसंद की शादी की है ना तो उसे अपने बहू के मुकाबले में गले की चमारन भी अच्छी लगती है। हाँ सही कह रहा हूँ। वो तो मेरे साथ शर लगा ले, बोले कि बीवी भी ना बंगन चमारन होगी, बंगी काली चौड़े दांतों वाली और शायद बड़ी उम्र की भी, और उसे उसमें भी हो रही नजर आएगी। यार तुझे सर्कस के कुतरे में बताता है। ये देखो देखो जी, देखो देखो जी, देखो बोला बोल बोल बोले की दुल्हन की तस्वीर देखो। हाँ हाँ बोले की दुल्हन की तस्वीर आ गई है, खींच रहा है। खींच ली मैंने, वो अम्मा के साथ बैठी था, बातें मटका रही थी, वो बोला यूं उठा, यूं 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 छुप छुप के खिड़की में, खिड़की में जाके ठक 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 चार तस्वीरें खींची है और ले आया, ले आया। पर शफीक मेरी दुल्हन ना मेरे साथ ज्यादा बातें नहीं करती है, मेरी मेरी अम्मा को पसंद करती है, सुबह से लेकर शाम तक अम्मा में घुसी रहती है। तो अम्मा की उम्र की होगी ना। हाँ इसलिए दोनों की बनती है। नहीं, नहीं। चल देखा अभी तो, बल्कि नहीं यार मैं तो नाश्ता भी नहीं किया सुबह, मैं देख के रश पड़ जाएगा तू देख। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने तो 3 पराठे खाए हैं, अगर मैं चकरा के ना भी गिरा ना कहीं यार पराठे ना निकले मेरे। डार रे क्या हो गया, इधर तो आ। हो गई ना बंद, बोल्टी हो गई ना बंद, मनुष्यो मेरी दुल्हन को देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, नजर ना लगाना। दोबारा एक दफा दिखा तो सही। अरे बस कर दे पानी, कितना पानी उडेलेगी, क्या हो गया तुझे, 2 लौंग पीस के डाल, रंग चौखा आएगा, और अभी तो नारियल का तेल और इतर भी डालना है, तू है कि पानी उडेले जा रही, क्या शोरबा बनाएगी। हाय बीबी जी, बाजार से बनी बनाई मेहंदी मिल जाती है वो कोन वाली, और आप तो ऐसे झंझट में पड़ गई हैं। अरे गारत हो बाजारी चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती, चल तेज हाथ चला। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। अरे वाह वालेकुम मुस्तफिया, आ गए तुम, भेज दिया बुलावा सबको। जी जी भाभी जी, बंदा चला गया है, इंशाल्लाह कल शाम तक वापस आ जाएगा। अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया। ओ भाभी जी मैं कहना ये चाह रहा था कि ये सब बुलावे जो है वो तो फोन पे भी दिए जा सकते थे। अरे नुसरत मियाँ भाई, जब तक मेरी सांसें हैं मैं तो बड़ों की रिवायत को इसी तरह लेकर चलूंगी। अरे जहर लगता है मुझे वो मुआ कागज का दावत नामा और वो टेलीफोन पे बुलावा, अरे दफा करो, हमारे यहाँ से तो नाई ही जाएगा न्योता लेकर। खैर तुम छोड़ो ये बातें, तुम बताओ बाकी सारे इंतजाम तो हो गए ना। जी जी सबको कहती है, बावर्ची नाई हलवाई नान भाई सबको कहती है जैसा आपने हुक्म दिया था। और वो कुमकुमों का क्या हो, आप फिक्र न करें भाभी जी, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, चंद दिनों तक ये पूरी हवेली भर के कुमकुमों से रोशन हो जाएगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कितना ही शुक्र है कि तूने मुझे ये दिन दिखाया। हाँ वो रिजवाना कहाँ है, उसे कहा था कि मेरे साथ जरा बाजार चले, दुल्हन का जोड़ा देख कर आएंगे,
ना जाने कहां अटवांटी खटवांटी लेकर पड़ गई वो, जरा बता तो करो। मैं देखता हूँ भाभी जी। ऐसे काम बोलो, झट से तकिया मुंह पे देकर बैठ जाती। अम्मी ये तो कोई बात ना हुई ना। बैठी रहे घर, हर बार तेरा साथ लटकना जरूरी नहीं जब भी मैं बाजार जाऊं। भाई मुझे भी तो नए कपड़े लेने हैं। ये भी पिछली बार तो तुम्हें दिलवाए थे 3 जोड़े। हाय क्या हो गया रिजवाना, इस बात को तो 1 महीना हो गया पूरा। तो भाभी क्या महीने भर में 3 जोड़े छोटे पड़ गए से? अम्मी भोले भैया का वलीमा है, मुझे 1 जोड़ा तो नया ले दे। अरे तू फिक्र ना कर, रहने दे इसे, ये तो है ही कंजूस, इतना सा दिल है इसका। मैं अपनी बेटी को लेके दूंगी, जिस पे हाथ रखेगी वो लेके दूंगी, तू फिक्र ना कर, चल मेरे साथ। भाभी भाभी बात ये नहीं है, कोमल के अब्बा ने गाड़ी भिजवाई है पर वो खुद नहीं आए साथ। अरे तो क्या मोटर चला के हम खुद जाएंगे? अरे नहीं, कोई लौंडा लपाड़ा सा भिजवाया है, कहते हैं कि नया भर्ती किया है, अच्छी गाड़ी चला लेता है, भले सारा दिन लिए फिरो बाजार। भाभी अब आप खुद बताएं, मैं जवान जहान लड़की को किसी गैर लौंडे के साथ गाड़ी में कैसे बिठा सकती हूँ? जी नहीं, बाबा कह रहे थे कि अच्छे घर का लड़का है। देखो कोमल, तुम्हारे अब्बा के हिसाब किताब के मामले में वो काबिले एतबार होगा, पर मैं अपनी बेटी के मामले में किसी गैर लौंडे पर एतबार नहीं कर सकती, समझी तुम? फिर इससे तो अच्छा है ना कि हम टैक्सी करवा के चले जाएं। एलो, बड़ी अकल की बात की तुमने, जैसे टैक्सी वाला तो हमारा सगा होगा, है ना? अरे क्या हो गया रिजवाना, क्यों ऐसी बातें कर रही हो, बच्ची को अकेले भेजना है, अरे हम साथ होंगे ना तो फिर क्या डर, और वैसे भी दुल्हन की खरीदारी नहीं करनी, वो कौन कराएगा? अरे मुझे क्या पता आजकल का क्या फैशन है, क्या लेना देना है, वो कोमल ही करेगी ना। चल तू जल्दी से चादर लेके आ, चादर ले और आज मेरे साथ आजा आजा। अरे चुप करो, कर क्या रही है भाभी, बोला मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे इस नाम से नहीं पुकारा करो ना। तो फिर किस नाम से पुकारूं? वो नूरबानो, नूरबानो, बेसुरा नकली नाम, मैंने नहीं पुकारना उसे। हाँ तो नूरी कह लिया करो ना। नूरी नूरी तो सारे कहते हैं ना, घर वाले बाहर वाले सारे सारे कहते हैं नूरी, पर बोलेगी तो दुल्हन हो ना, है ना? बोला तो दुल्हन देगा पान, पान खाओगी पान? हाँ हाँ हाँ। खुश होके बोलती नहीं है मुझसे, पहले पहले कितना खुश हो गए हंस हंस के मेरे साथ बातें करती थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, पान खाएगी तो खुश हो जाएगी। दुल्हन को जूती सीधी करते हैं, अम्मा कहती है जूती सीधी करते हैं, जूती सीधी करते हैं, पान खाएगी तो मुस्काने लगेगी, ये डांट निकालेगी। मैं भी जब पान खाता हूँ ना मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं बड़ा मुस्काता हूँ, मैं भी ना बड़ा मुस्काता हूँ। दुल्हन वो आप अपनी आंखें बंद करें ना,
जो देना है ऐसे ही दे दो। नहीं नहीं जी नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं। मैंने फिल्मों में देखा है, मैंने फिल्मों में देखा है, एक होता है लड़का और एक होती है लड़की। लड़का जब लड़की को गिफ्ट देने लगता है ना तोहफा, तो यूं करके ना यूं करके लड़की लड़की के पास आता है, यूं करके यूं पास आता है और उसे कहता है, सुनो अपनी अपनी आंखें बंद करो ना दुल्हन, तुम भी करो ना। सुने जी खोले आंखें जी। मेरी दुल्हन मुस्काई नहीं, कोई बात नहीं, सुबह सुबह मुझे अपने हाथों से नाश्ता नहीं कराया था ना, नहीं करवाया था ना मुझे नाश्ता, कोई बात नहीं, वो बोला तो अपनी दुल्हन को पान खिलाएगा, ये खाओ। नहीं मुझे भोले अभी नहीं खाना। लेकिन लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें खाना है। अभी 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 दिल नहीं कर रहा। थोड़ा सा नहीं खाना अभी भोले। डर डक 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 डर लग गया। बस आ जा रहा।